आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम bb.net में कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है उसको किसी कंडीशन के बेस पर कंट्रोल करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना ही कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, कहने से मतलब है हमें कुछ समय प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हमें किसी डिसीजन किसी कंडीशंस के बेस पर एक्शन लेना होता है, कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग और दूसरा होता है लूपिंग। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट या ब्रांचिंग, जिसमें सबसे पहला इफ देन एंडिंग। ठीक है, इफ देन एंडिंग, इफ देन एंडिंग का जनरल सिंटैक्स देखिए, इफ इसके बाद कंडीशंस, यहाँ पे हम कंडीशंस चेक करेंगे, जो भी कंडीशंस हमको चेक करना है, देन देन के बाद हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा, जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट देंगे और लास्ट में एंडिंग। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशंस चेक किया जाएगा फर्स्ट में, इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। यदि यहाँ पे दिया गया कंडीशन सही होता है तो उसके नीचे के जो, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो इसके इनसाइड में जो भी स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेटमेंट रन होंगे, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होता है, तो कंट्रोल क्या होगा हमारा, सीधे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद सीधे एंड इफ से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस और कोई भी इफ और एंड इफ के बीच के कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे कंडीशन चेक किया ट्रू हुआ तो करेगा ट्रू स्टेटमेंट्स को, और फॉल्स हुआ तो सीधे कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो यह होता है इफ देन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं, ओपन करते हैं। पिछला बना हुआ है एक नया फॉर्म ले लेते हैं, तो नया फॉर्म ऐड करने के लिए हम कहां जाएंगे, प्रोजेक्ट से एड विंडोज फॉर्म पे। देन यहां से ऐड कर, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कुछ ऐसा कि हमको किसी पर्सन का एज इनपुट करना और चेक करना है कि वह वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई स्टेटमेंट, यदि है तो आपको मैसेज दे कि हाँ वह वोटिंग के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले लेबल ले लेते हैं, इसमें इंटर योर एज, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं जिसमें हम एज को इनपुट करेंगे। ठीक है, अब एक लेबल या टेक्स्ट बॉक्स जो लेना है जिसमें हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं, यहां, और बटन ले लेते हैं दो, एक ओके और एक एक ओके बटन ले लिए और एक कैंसिल। और इस लेबल को खाली छोड़ देते हैं, यहां पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इनका। बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं इसका, फॉन्ट वगैरह साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। कल आप लोग लास्ट क्लास वीडियो में मैंने आप लोग को ये बता दिया है कि कैसे आप
इनका प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो आज फिर से आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके के क्लिक इवेंट में हमको कोडिंग करना है। चलेगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जीन एज एज इंटीजर। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स वन में चाहे तो हम ओके बटन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स में इसीलिए इसके लिए कोडिंग कर दे रहा हूं। एज इक्वल वेल, वेल लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो आप छोड़ सकते हो इसको, सीधे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ठीक है ना, जब भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का हम कोडिंग करें, इसमें टेक्स्ट बॉक्स वन के टेक्स्ट चेंज, जब भी उसका टेक्स्ट चेंज कुछ भी चेंज होगा तो वह जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा एज। अब चेक करना है यहाँ पे हमको यदि बटन क्लिक इवेंट पे, ठीक है, यदि एज ग्रेटर दैन इक्वल हो कितने से 18 के, देन लेबल टू में हमको मैसेज देना है डॉट टेक्स्ट इक्वल यस यस यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। ठीक है, देन ब्रैकेट बंद, अगर ब्रैकेट के अंदर यहां पे ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हमने एज लिया है, एज को टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू रहेगा उसको किसमें स्टोर करा दिया हमने एज में। अब यदि एज 18 से अबव होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या दिखाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई भी मैसेज नहीं दिखाएगा अभी, लेकिन मैं रन करूंगा तो मेरा फॉर्म वन एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे जा करके स्टार्टअप फॉर्म में फॉर्म टू बोथ दे दूंगा। अब F5 से हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको डिबग करते हैं, एंटर यस, मान लो एज मैंने इनपुट कर दिया 18, देखो आ गया फिर यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। अब मान लो यहाँ पर मैं दे दिया 15, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फिर से मैं 15 दे रहा हूं तो भी क्या दिखा रहा है, यस यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। क्यों, क्योंकि एक बार उसने सही चेक किया, फिर से रन करेंगे हम, इस बार हम 15 देंगे कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 18 कर रहा हूँ सब दिखा रहा है, लेकिन पहले अगर ज्यादा कर दे रहा हूं तो बाद में कम में भी एलिजिबल दिखा रहा है। तो इसके लिए हमको यह करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना होने के बाद हमको लेबल वन के टेक्स्ट को क्लियर करना पड़ेगा, लेबल वन डॉट खाली हो जाए। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट हो और कंडीशन जैसे बाहर आए तो क्या करते हैं, उसको ब्लैंक करते। अब एग्जीक्यूट कीजिए, अब मान लो 22 कीजिए या एलिजिबल, सॉरी लेबल टू को हमको ब्लैंक करना था, हमने लेबल वन भी किया है, यहाँ पे लेबल टू को ब्लैंक करना है। अब देखिए 22 एज किए, लेकिन फिर भी बटन के अंदर ही है ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो रन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम देखो 22 कर दिया तो यस एलिजिबल फॉर बोथ, यदि अभी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 15 भी कर दे रहे हैं तो भी क्या दिखा रहा है, वही मैसेज दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार उस टेक्स्ट में उस लेवल में उस वैल्यू को स्टोर कर दिया, तो अब हमको यदि कम हो तो वहां पे ये नहीं दिखना चाहिए, यह है। तो हम एक बार ही वहां से चेक कर सकते हैं, हमको अगली बार फिर से रन करना पड़ेगा 15 दे के, अब कुछ नहीं हो रहा, अब आप 22 दीजिए अब सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से मुझे बार बार यहां पर रन करने की जरूरत ना पड़े, एक बार मैं रन करूं और यहां पे जो भी एज दूं और चेक करा लूं,
ठीक है। तो आप अभी तो आगे और भी कंट्रोल है जिसमें दोनों मेथड होंगे एलिजिबल के लिए नॉट के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है तो हम एक और काम कर सकते हैं, एक और कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे सेम ओएस की है ना, कि यदि एज ग्रेटर देन आर इक्वल हो कितने के 18 के देन लेवल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल खाली होगा, ठीक है। यदि 18 से क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा तो यस एलिजिबल फॉर वोट। अगला कंडीशन यदि एक और एक कंडीशन हमने यहां पे चेक कराए और इफ चेक कराए यहां पे हम, ठीक है, कि यदि क्या होगा एज 18 से छोटा हो 18 से तो क्या करे यहां पे नॉट एलिजिबल कुछ भी ना। अब देखो 22 किए यस एलिजिबल फॉर वोट, 15 कर दिए हट गया तो भी 15 एलिजिबल नहीं। कैंसिल के लिए कोडिंग नहीं किया हम लोगों ने तो यहाँ पे कैंसिल के लिए हम कोडिंग कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं बस 3 लिखिए। अब देखो रन करो 22 है ठीक है 15 है नहीं दिखा रहा कैंसिल करना। तो इस तरीके से इफ देन एंड इफ का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है। यह भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है लेकिन इसमें आप कंडीशंस के लिए कंडीशंस चेक करते हैं और कंडीशंस के ट्रू होने पे ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तथा कंडीशंस के फॉल्स होने पर फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसमें कंडीशंस के ट्रू के लिए ट्रू स्टेटमेंट दिया गया होता है और फॉल्स के लिए फॉल्स। देखिए इफ इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाएगा, यदि कंडीशन सही है तो इफ और एल्स के बीच के जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक होगा वह एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स और एंड इफ के बीच का जो भी स्टेटमेंट होगा वह एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें ट्रू के लिए ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स के लिए फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्लियर है। इफ देन एल्स एंड इफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसी एग्जाम्पल में कि यदि हम एज यदि 18 से ज्यादा या बराबर हो तो दिखा यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यदि नहीं है तो नॉट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ऐसा मैसेज आना चाहिए। तो हम कोडिंग कैसे करेंगे, बाकी सेम वही रहेगा, यहां पे आएगा एल्स देन लेबल 2 डॉट टेक्स्ट नॉट, यहां पे आ जाएगा मिनिमम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो क्या होगा एज स्टोर हो जाएगा, चेक करेगा यदि एज 18 से ज्यादा या बराबर होगा क्या देखा गया यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या जाएगा नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। देखिए मान लो 85 एलिजिबल फॉर वोट, मान लो मैंने 12 कर दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर 18 कर दिए तो एलिजिबल फॉर वोट, 17 कर दिए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्लियर है। इस तरीके से इफ एल्स का इफ देन एल्स एंड इफ का यूज कर सकते हैं।